तो आज कैड में अपन लाइन ऑप्शन देखने वाले। जैसे ड्राइंग में कैड में मुझे लाइन ड्रॉ करना है तो मुझे लाइन कमांड यूज़ करना पड़ेगा। लाइन कमांड मैं तीन मेथड्स यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे टूलबार्स में भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, लाइन ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे मैं माउस पॉइंटर यहाँ पे रखता हूँ तो मेरा लाइन ऑप्शन दिखाई देगा। सेम ड्रॉ मेनू बार में भी मेरे को लाइन ऑप्शन है, या तो उसका डायरेक्टली इनिशियली में कमांड टाइप कर सकता हूँ। कोई भी अगर कमांड मुझे यूज़ करना है तो उसका इनिशियल कैरेक्टर है या कमांड है उसको मुझे टाइप करना पड़ता है। जब मैं टाइप करूँगा तो मुझे एंटर में मैं प्रेस कर सकता हूँ और या तो स्पेस बार भी प्रेस कर सकता हूँ। कैड में ऐसा है तो कोई भी कमांड टाइप करने के बाद आप एंटर या स्पेस बार दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको कोई भी कमांड कैंसिल करनी है तो आपको कीबोर्ड का एस्केप की प्रेस करना है। एस्केप की से आपका क्या होगा, कमांड कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन कमांड ऑन कर दिया और मुझे ये कमांड कैंसिल करना है तो मैं एस्केप की प्रेस करूँगा तो मेरा कमांड कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे लाइन कमांड एक्टिव करना है तो मुझे एल टाइप करके एंटर दबाना है तो मेरा लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं एल टाइप करता तो एल से स्टार्ट होने वाली कितनी सारी ऑप्शन है ये यहाँ पे मुझे शो हो जाती है। तो अभी मुझे फ़िलहाल तो पहला ऑप्शन चाहिए जो लाइन कमांड के लिए, तो मैं एल टाइप करके एंटर दबाएँ। अभी मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। अभी यहाँ पे मैं एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और लाइन का डायरेक्शन डिसाइड करता हूँ कि कौन से साइड में मुझे लाइन चाहिए, ये मुझे ओरिजेंटल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, कौन से साइड में चाहिए। तो उसका डायरेक्शन डिसाइड करके मैं डिस्टेंस टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 100 डिस्टेंस। अभी 100 जो डिस्टेंस है ये मिलीमीटर से, सेंटीमीटर से या फीट है, ये अपन बाद में डिसाइड करेंगे। अभी फिलहाल तो मैंने इसको 100 में डाला। आपको मेरा ये सब सीरीज ऑटोकैड का देखना पड़ेगा। आप सीरीज देख के मेरा आप ऑटोकैड सीख सकते हैं। तो अभी मैंने 100 यूनिट टाइप करके एंटर दबाया। तो जैसे मेरा 100 यूनिट टाइप करके मैंने एंटर दबाया तो वहाँ पे मेरा लाइन कंप्लीट हो गया। अभी मैं लाइन का नेक्स्ट डायरेक्शन डिसाइड करता हूँ कि मुझे कौन से साइड में लाइन चाहिए। यहाँ पे भी मैं टाइप करता हूँ 150। तो ये 150 का लाइन ड्रॉ हो गया। अभी वापस लाइन का डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं वापस टाइप करता हूँ 100। तो मेरा ही 100 का लाइन कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे अगर मुझे क्लिक करना है तो मैं ये क्लिक करके इसको क्लोज कर सकता हूँ, या तो मैं सी टाइप करूंगा तो मेरा स्टार्ट और एंड पॉइंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। भले मेरा पॉइंटर दूसरी जगह पे, लेकिन मैं अगर सी टाइप करके एंटर दबाता हूँ तो देखो तो मेरा जो स्टार्ट है और एंड पॉइंट ही क्लोज हो गया। तो इसी तरह से मैं सी कमांड का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसी तरह से मैं जितने सारे लाइन चाहिए मुझे वो मैं इतने ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे डिस्टेंस देना है, जैसे एक पॉइंट क्लिक करने के बाद एंटर दबाना है, उस डायरेक्शन में मेरा लाइन वो फिट हो जाएगा जितना मैंने डायमेंशन दिया उतना। फिर मैं वापस डायमेंशन डाल के वो डायरेक्शन में लाइन फिक्स कर देता हूँ। जैसे मैं सी टाइप करता हूँ तो मेरा वो लाइन क्लोज हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये डिस्टेंस 200 चाहिए तो मैं यहाँ पे 200 टाइप करके एंटर दबाऊँगा। फिर ये अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 150 चाहिए तो यहाँ 150 टाइप करूँगा। अब इसके आगे मुझे लाइन नहीं चाहिए तो मैं इसको एस्केप करूँगा। एस्केप करने से क्या होगा, मेरा कमांड कैंसिल हो जाएगा और मेरा लाइन इतना ही ड्रॉ हो जाएगा। तो इसी तरह से जितना लाइन चाहिए, जैसे लाइन चाहिए, आप लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाइन कमांड के लिए आप एल कमांड टाइप कर सकते हैं और एल कमांड से आपका लाइन एक्टिव हो जाएगा। एल कमांड से आपका लाइन एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे लाइन कमांड के ऊपर क्लिक करता हूं तो भी मेरा लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं ओनली एंटर दबाऊंगा विदाउट कमांड टाइप तो मेरा जो ओल्ड कमांड है यही रिपीट हो जाएगा। तो मेरा ओल्ड कमांड लाइन था तो वापस वही कमांड एक्टिव हो गया। मतलब मुझे कमांड टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं, तो खाली बस मुझे क्या करना है, एंटर दबाना है। मतलब ओल्ड कमांड अगर मुझे वापस रन करना है तो बस मुझे एंटर या स्पेस बार दबाऊंगा तो मेरा पुराना जो कमांड है वही रन हो जाएगा। और जितना डिस्टेंस का लाइन चाहिए ये यहाँ पे मैं टाइप करूँगा। जैसे मुझे 350 का लाइन चाहिए तो ये 350 का लाइन। तो जैसे डायरेक्शन में मुझे लाइन चाहिए वैसे डायरेक्शन में मैं लाइन कमांड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मुझे खाली लाइन कमांड के ऊपर क्लिक करना है, एक पॉइंट क्लिक करना है और मुझे डायमेंशन टाइप करना है कि मुझे कितनी डिस्टेंस का लाइन चाहिए और एंटर दबाना है। तो ये बेसिक लाइन कमांड्स है जिससे आप कैड के अंदर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कमांड ये जो लाइन्स है इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो बस उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपका वो लाइन सिलेक्ट हो जाएगा और आप कीबोर्ड का ऊपर जो डिलीट बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, आपका लाइन
डिलीट हो जाएगा। या तो आप लाइन को सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे आपको इरेज ऑप्शन है, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी आपका लाइन डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करोगे तो अंडू हो जाएगा, मतलब आपका लाइन वापस आ जाएगा। तो इसी तरह से बेसिक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको लाइन कमांड से, लाइन के लिए आपको खाली एल टाइप करके एंटर दबाना, तो आपका लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगला वीडियो आपको देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।